अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लिए आज का सऊदी रियाल रेट क्या है। सारे बैंकों के जो भी आज के रेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि जो सबसे अच्छा रेट दे उसके ज़रिए आप अपने पैसों को अपने देश के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें अपने मुल्क के अंदर। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इससे भी और अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें वेस्टर्न यूनियन की। इंडिया के लिए दे रहा है 21 रुपये 86 पैसे और पाकिस्तान के लिए दे रहा है 74 रुपये 57 पैसे और इसी तरह से नेपाल के लिए दे रहा है 35 रुपये 30 पैसे और इसी तरह बांग्लादेश के लिए 28 टका 90 पैसे दे रही है। तो अब बात कर लें क्विक पे की। क्विक पे इंडिया के लिए दे रहा है 21 रुपये 66 पैसे और वहीं पाकिस्तान के लिए 74 रुपये 40 पैसे। इसी तरह से नेपाल के लिए दे रहा है 34 रुपये 70 पैसे और बांग्लादेश के लिए 28 टका 75 पैसे। अब बात कर लें एसटीसी पे के बारे में। इंडिया के लिए दे रहा है 21 रुपये 77 पैसे और पाकिस्तान के लिए 74 रुपये 20 पैसे। अब नेपाल के लिए बात कर रहे हैं 35 रुपये 20 पैसे और बांग्लादेश के लिए 28 टका 75 पैसे। तो उसके बाद अब बात कर लें राज्य बैंक की। इंडिया के लिए दे रहा है 21 रुपये 52 पैसे और पाकिस्तान के लिए दे रहा है 74 रुपये 83 पैसे। इसी तरह से नेपाल के लिए दे रहा है 35 रुपये 12 पैसे और बांग्लादेश के लिए दे रहा है 29 टका 15 पैसे। तो अब बात कर लें यहाँ पे इंजाज बैंक की। इंडिया के लिए दे रहा है 22 रुपये 3 पैसे और पाकिस्तान के लिए दे रहा है 75 रुपये 10 पैसे और इसी तरह से नेपाल के लिए दे रहा है 34 रुपये 50 पैसे और बांग्लादेश के लिए दे रहा है 29 टका 78 पैसे। अब बात कर लें फौरी बैंक की। इंडिया के लिए दे रहा है 21 रुपये 88 पैसे और पाकिस्तान के लिए दे रहा है 74 रुपये 3 पैसे। तो इसी तरह से नेपाल के लिए 35 रुपये 10 पैसे और बांग्लादेश के लिए 28 टका 90 पैसे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक लाजमी करें।